हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मैं आ गई हूँ अपने घर यूपी लखनऊ में। और अभी मैं हूँ घर पे, तो हमारे यहाँ किराने की दुकान है। थोड़ा सा सारा हर जगह स्टोरेज बना हुआ है, तो उसको माइंड मत करिएगा, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और मैं अभी कल ही आई हूँ, तो इसलिए कुछ वीडियोस जो है एडिट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो गई थी। तो 3-4 दिन में वो सारी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी। और मैंने सोचा घर आई हूँ तो घर का भी एक व्लॉग शूट करती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। प्लस आप लोगों को आज होली है, तो होली विश कर देती हूँ। तो सबसे पहले विश यू वेरी हैप्पी होली। आप सभी लोगों को खूब सारी बधाई हो होली की। आप सभी लोग खूब सारा इंजॉय करिए, बट अभी कोविड चल रहा है तो थोड़ा सा केयरफुल होके। और मैंने भी थोड़ी सी होली की प्रिपरेशन की है। ये देखिए, गुलाल वगैरह निकाल के रखा है, अभी मैंने फ़िलहाल खेला नहीं है। और हमारे घर में दुकान है, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हमारी दुकान पूरी, और पापा खड़े हैं, दिखाते हैं। पापा हैप्पी होली, हैप्पी होली, सब लोग देखेंगे आपको। पापा है, एक दुकान और है हमारी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तो अभी पापा आ गए हैं बंद करके, क्योंकि अभी जाएंगे सबके यहाँ घूमने के लिए। पहले जैसा नहीं है अब होली में, लेकिन फिर भी है, थोड़े बहुत लोग आते जाते हैं, मिलते उलते हैं। और दीदी भी आई हैं, तो उनका भी बेबी है, वो भी अभी खेल रहा है, 4-5 साल का है, सारे बच्चों के साथ खेल रहा है अभी। और हमारा घर जो पड़ता है मेन हाईवे पर है, मैं थोड़ा आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये है घर का बाहर का कुछ, पापा की बाइक खड़ी है, सामने है हाईवे, और ये है दीदी का लड़का वंस, पिचकारी लेके खेल रहा है मस्त। और ये इधर जो हाईवे, इधर लखनऊ का है, और इधर है इलाहाबाद। थोड़ा सा मैं उधर वहाँ से जाके इधर का सीन दिखाता। तो ये देखिए, ये है मेन हाईवे, ये लखनऊ को जाता है और इधर से जाता है इलाहाबाद को। अभी रोड एकदम बंद है, कोई भी नहीं, एक दो लोग हैं जो जा रहे हैं रंग खेलने के लिए, देखिए साइकिल से। और अभी बिल्कुल शांत माहौल है, मतलब कल तो इतना ज़्यादा क्राउड था, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही थी। इधर ये हमारी दुकान, ये है छत, बाकी ये हमसे जलने वालों का घर, और ये है हमारा वंस। किसके साथ खेल रहे हो? हमको नहीं लगाने, मार देंगे। देख रहे हैं पूरा कलर से रंग गया है। और भी बच्चे थे, अभी सब चले गए। अभी फ़िलहाल चलते हैं हम अंदर, क्योंकि मम्मी अभी खाना बना रही हैं, दीदी भी खाना बना रही हैं, पापा खड़े हैं सामने। इधर से है हमारा घर, अंडरग्राउंड भी है, जब हम बाद में होम टूर देंगे तब इधर से दिखाएंगे आपको। और ये है हमारी दुकान, अगर किसी को गुजिया बनाने का सामान, पापड़, कलर कुछ भी लेना है तो आके ले सकता है। और अभी हम चल रहे हैं अंदर, क्योंकि मम्मी खाना बना रही, मम्मी दीदी। तो ये है हमारे घर का किचन, दीदी अभी बना रही हैं खाना, कुछ खाना बन गया है, अभी वो पापड़ तल रही, जिसको जिसको भी खाना है वो आ जाए। और मम्मी इधर बना रही हैं गुजिया, और गुजिया कल बन चुकी है और आज बना रही हैं। तो जिसको जिसको भी खाना है, खाना होली की गुजिया और पापड़, वो सभी लोग आ जाइए घर। तो अभी मैं वापस आ गई हूँ दुकान में, क्योंकि मम्मी ने बोला तुम जाओ दुकान देख लो थोड़ी देर, और वो खाना बनाएंगी, गुजिया बना रही हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं जाती हूँ दुकान में। तो मैं आ गई हूँ दुकान में अभी, और पापा भी जा रहे हैं घूमने के लिए, वंस भी बाहर खेल रहा है। तो अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, सिर्फ दुकान देखना है बैठ के। तो जिसको जिसको भी सामान लेना है आ जाओ, अभी मैं दुकान पे हूँ, बाद में मत आना। तो ये देखिए पापा चश्मा लगा लिए हैं, जा रहे हैं। बाय। पापा गए, और ये जो बच्चे हैं ये भी इधर बगल के ही हैं, तो सबके साथ खेल रहे हैं ये कलर, और बचपन में हम भी ऐसे ही खेलते थे। मैं बैठी हूँ दुकान में, और जैसे कि अभी मैं घर आई हूँ, तो यहाँ पे मैं बी रोल वगैरह मतलब नहीं डाल पा रही हूँ, अच्छे अच्छे शॉट नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी नई हूँ यार, मुझे अच्छे अच्छे शॉट लेने नहीं आते हैं। और आप लोग देखते हैं, जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ शूट करने के लिए, तो मैं किसी न किसी को अपने ऑफिस से लेके जाती हूँ कैमरामैन के तौर पर, कि वहाँ पे मैं अच्छे से शूट कर पाऊँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, सीखने की कोशिश कर रही हूँ, तो थोड़ा सा सह लीजिएगा यार। कि तो मैं अभी भी दुकान में ही हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, जब कोई दुकान पे आता है सामान लेने के लिए, तो मैं अंदर जाती हूँ और मम्मी से पूछती हूँ कि मम्मी सामान का रेट कितना है,
और फिर मम्मी मुझे बताती हैं, तो मैं आके कस्टमर को सामान देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि सामान का जो रेट है ना, वो अप डाउन होता रहता है, ऊपर नीचे, और अगर मैं कम में दे दूँगी तो हमारा लॉस है, अगर ज़्यादा करके दे दूँगी तो कस्टमर का भी नुकसान होगा, तो इसलिए पूछना ज़रूरी है। तो दुकान में बैठ के सामान दे रही थी, ये देखिए हाथ में कलर लग गया है। और मैं अभी गांव आ गई हूँ, तो गांव के बहुत सारे ब्लॉग बनाने के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग भी गांव के ब्लॉग देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि नहीं मेरे, कि मैं गांव में मतलब खेत वोत में जाके खूब अच्छे अच्छे सारे ब्लॉग बनाऊँ। और अभी इस वीडियो के बाद जो 4-5 वीडियो और भी बची हुई हैं वो आने वाली हैं, तो वो भी देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। और कैसा लगा आपको आज का ये सिंपल शॉर्ट वीडियो? और अभी मैंने कलर नहीं खेला, ऐसा नहीं कि नहीं खेलूंगी, मैं भी गुलाल वगैरह खेलूंगी, वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसे ही मेरे धमाकेदार और भी गाँव वाले ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैंने बोला था कि अभी मैं नहीं खेलूंगी, सारे काम ख़त्म करने के बाद खेलूंगी, लेकिन बगल की एक भाभी हैं वो आ गई, नहीं मानी और उन्हें लगा दिया। देख रहे हैं कितना सारा, कोई नहीं, अब मैं भी जा रही हूँ होली खेलने, सब काम बाद में करेंगे।